हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मॉडिफाई ईको दिखाने वाला हूँ। बहुत कम लोगों ने ये ईको दिखाई होगी या ईको की मॉडिफिकेशन कराई होगी, पर भाई ने इतनी अल्टीमेट तैयार कर रखी है। जैसे कि भाई इसके अलॉय देख सकते हैं, और मतलब कितने ही बाहर इसके अलॉय और टायर देख सकते हैं, आपकी बॉडी से भी बाहर निकले हुए हैं। और भाई ने इतनी अल्टीमेट तैयार करी गई है, सारे ग्लास टिंटेड कराए हुए हैं भाई ने, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है भाई चलती हुई भी। और जो इसका म्यूजिक सिस्टम है ना, उसका तो भाई मैं पर्सनली फ़ैन हो गया। तो सबसे पहले आप इन्जॉय करें सिनेमैटिक शॉट्स, उसके बाद मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट और आपको मिलाता हूँ भाई से जिनकी ये कार है। तो ये हैं हमारे भाई जिनकी है ईको कार। सबसे पहले मैं आपको भाई से मिलाता हूँ। तो भाई आपका नाम? आदित्य भाई। आदित्य, तो भाई ये कार कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, एक बार अपने ऑडियंस को सब कुछ बता दो भाई। 2011 मॉडल है। 2011 मॉडल गाड़ी है, अरे वाह। और भाई मतलब ये कौन सा वेरिएंट है इसमें, जैसे वेरिएंट भी आते होंगे? सारी को एक जैसी आती हैं। अच्छा भाई, तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट से कि आपने इसमें फ्रंट से क्या क्या कराया है। जैसे कि यहाँ पे DRL देखने को मिल रही है, तो अगर हेडलाइट की बात करें तो आपने फ्रंट में HID डाल रखी है। अच्छा भाई, ईको में HID हेडलाइट डाल रखी है, भाई क्या बात है। तो भाई इनका नाइट में रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई। वैसे भी HID का नाम काफ़ी है। और भाई अगर नीचे बात करें तो ये अपने क्या है, फॉग लैंप डलवा रखी है। ये फॉग लैंप भाई, ये प्रोजेक्टर है? हाँ जी। अच्छा भाई, इनका रिस्पॉन्स कैसा है? बढ़िया है। अगर जैसे अगर हम अपनी कंपेयर करें अपनी HID लाइट से, तो भाई इनका फॉग लैंप का रिस्पॉन्स कैसा है? बढ़िया, रात को HID जलाते ही नहीं मैं। अच्छा, HID जलाते ही नहीं, फॉग लैंप से काम हो जाता है। और भाई आपने ये फ्लैश लगवा रखे हैं, ये भी इनका रिस्पॉन्स भी सही होगा। मतलब ज़्यादातर भाई ये नाइट में काम आते होंगे, वैसे आप जलाते नहीं होंगे। उसके बाद भाई हम आते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो अलॉय की तरफ हम आएंगे बाद में, क्योंकि अलॉय इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा तगड़े। भाई ने काफ़ी ज़्यादा आउटसाइज लगवा रखा है। तो भाई आपने इधर बनवा रखी है AKM, तो भाई ये मतलब कहाँ से आया दिमाग में कि इधर AKM बनवानी है? ऐसे ही लगवा दिया, ऐसे लगवा दिया, बस शौक वाली बात है। और भाई जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपके सारे ग्लास बिल्कुल ब्लैक हैं, मतलब एकदम ब्लैक, जैसे अंदर भाई मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो भाई सारे शीशे ब्लैक, मतलब आपने अगला तक भी नहीं छोड़ा, तो इसका क्या रीज़न है भाई? मैं ऐसी करा ली, ऐसी करा ली थी भाई, वो शौक वाली बात है। तो भाई जैसा कि मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये कौन से शीशे कितने कितने परसेंट आपने करा रखे हैं? सारे 35 करा रखे हैं, और उस पर फिर पीछे कटिंग चढ़ा रखे। अच्छा, मतलब सारे अपने आगे के पीछे के साइड के कोई भी हैं, सारे 35-35? अच्छा भाई, उसके बाद कटिंग चढ़ा रखे हैं। तो अच्छा, उसी हिसाब से भाई मतलब फिर ज़्यादा ब्लैक जेड लग रही है कार। बाहर जाना होता है कटिंग उतार देते हैं। अच्छा, बाहर जाना होता तो कटिंग सब उतार देते हो। अच्छा, वैसे भाई आज तक कभी रोका होगा इनके ऊपर? 2-4 बार तो रोका ही है। तो भाई वो फिर कुछ चलान वगैरह नहीं हुआ? नहीं, वो कहते मैं उतार देंगे। अच्छा, हो जाता है मतलब। तो भाई अब आते हैं हम इसके बैक साइड में, इंटीरियर में तो इसके काफ़ी ज़्यादा धमाका होने वाला है भाई, क्योंकि इंटीरियर तो भाई ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा तैयार करा गया है इसका। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल कितनी मस्त लग रही है अपनी गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिल्कुल एकदम सिंपल लुक भाई ने दे रखा है, क्योंकि भाई ने ब्लैक जेड करा रखी ना, तो ब्लैक जेड कार का लुक बदल देती है। और भाई ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं भाई? वैसी होती है बस, ये शौक के लिए, मतलब इससे ऐसा तो नहीं भाई कि अगर कभी कोई गाड़ी फंस जाए इससे खींच निकल जाएगी भाई? नहीं, ये सिर्फ ऐसी है भाई। अच्छा, तो भाई अब आते हैं हम अपने अलॉय पे। तो भाई जैसा कि कंपनी से कितने आते हैं इसमें स्टॉक इंच? 13 इंची इसमें कंपनी से। तरह आपने कितने लगवा रखे हैं भाई? 16 इंच के भाई ने इसमें अलॉय लगा रखे। देखो मतलब यार काफ़ी ज़्यादा इसमें बड़े भी लग रहे हैं, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊँ ना तो देखो कितने ज़्यादा इसमें बड़े लग रहे हैं। और अगर बाहर निकलने की बात करूं तो देखो बॉडी से कितने ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं। तो भाई मतलब 13 इंच कंपनी से आते हैं और आपने 16 लगा रखे, तो भाई ये दिमाग में कैसे आया कि 3 इंच बढ़वाने मेरे को सीधे? भाई मैं तो 17 डलवा रहे थे इसमें। अच्छा, 17 डलवा रहे थे भाई आप इसमें। अच्छा भाई, तो भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील डलवा रखे हैं, तो उस हिसाब से टायर की प्रोफाइल भी कम हुई होगी भाई? हाँ भाई। तो भाई जैसे कि अगर मैं बात करूं कंफर्ट की, तो पहले जो गाड़ी में कंफर्ट था और अब में जो कंफर्ट है उसमें आपको फ़र्क है? फ़र्क है। तो भाई मतलब अब एक एक गड्ढा महसूस होता होगा फिर तो। अच्छा, और भाई पहले क्या माइलेज देती थी अपनी गाड़ी?
माइलेज आज तक वो नहीं देखी नहीं। माइलेज आज तक कैलकुलेट नहीं करी भाई, बस पेट्रोल पे ना वैसे अपनी गाड़ी। फुल पेट्रोल पे, कोई सीएनजी वगैरह का वो नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि इको तो सीएनजी, ऐसा कुछ नहीं है, फुल पेट्रोल पे। और भाई ने कभी माइलेज देखी नहीं, तो इसका मतलब भाई अभी जैसे आप बता रहे हो कि माइलेज का कभी आपने कैलकुलेट नहीं करा, तो अब तो अलग लग गया, अब तो बिल्कुल नहीं दे रही होगी माइलेज। हाँ, 500 रुपये पेट्रोल चलता दो दिन। 500 रुपये का पेट्रोल सिर्फ 2 दिन चलता है अपने लोकल में। अच्छा अच्छा भाई, और भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब स्टॉक टायर थे तो आपने ये कार टॉप स्पीड कितनी भगाई है? ये वैसे मतलब जब स्टॉक टायर थे, जब ये अलॉय और ये टायर नहीं थे, 120। और भाई जब ये वाले लग गए, इन वालों के साथ 130 भगा दिए और स्टॉक के साथ 120, तो भाई इनमें जैसे 100 स्मूथ चल रहे हैं और ये उनसे ज़्यादा स्मूथ चल रहे हैं गाड़ी वो। खैर ये तो बात है भाई, जैसे कि मोटे टायर हम लगवा लेते हैं ना, देख सकते हैं इनकी प्रोफाइल भी कि कितने ज़्यादा ही चौड़े हो गए हैं टायर, तो गाड़ी उस हिसाब से रोड पे चिपक के भी चलती है। तो भाई जैसे कि आप बता रहे हैं आपने 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसे रन कर चुके हैं इन टायरों के साथ, तो भाई कोई मतलब नेगेटिव या वो नहीं लगा कि जैसे कार अपना कंट्रोल छोड़ रही है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर ब्रेकिंग की बात करें, ब्रेकिंग में बढ़िया, ब्रेकिंग वैसी है नॉर्मल पहले जैसे, या थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं? सही है, पहले जैसी है ब्रेकिंग। पहले जैसी है ब्रेकिंग। अच्छा, तो मतलब भाई आप इनसे सेटिस्फाइड हो ना, इन अलॉय को लगवा के, इन टायरों को लगवा के? क्योंकि भाई मेरे ख्याल से तो जो भी गाड़ी देखता होगा वो देखता ही रहता होगा भाई फिर। और आपको बहुत लोगों ने बोला है भाई, कभी मतलब कभी आपको भाई किसी ने बोला है कि आपकी गाड़ी के बारे में कुछ पॉइंट्स? भाई जहाँ भी आता हूँ वही बोलते हैं, वही बोलते हैं। सबसे ज़्यादा तो भाई इनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि जो इसमें अलॉय टायर है ना, सारा खेल ही भाई इसका है, इतने ज़्यादा मस्त लगवा रखे मैंने। और कोई ईको ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आपने ईको देखी नहीं होगी ऐसी, तो मैंने खुद ही नहीं देखी, मैंने पहली बार ऐसी ईको देखी है। इस वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि हमारी ऑडियंस भी अच्छे से देख पाए और भाई की मॉडिफिकेशन को भी आगे तक ले जा पाए। तो वैसे भाई ना मॉडिफिकेशन के मामले में बहुत अच्छे हैं, और जो इन्होंने म्यूजिक सिस्टम लगवा रखा है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और भाई इंस्टाग्राम पे रील भी डालते हैं, इतनी मस्त मस्त रील डालते हैं क्या बताऊँ। और आपको भाई की इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो रही होगी, आप भाई को जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भाई की रील्स भी देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में जाने से पहले एक बार मैं आपको लाइट का थ्रो दिखा देता हूँ भाई, एक बार डिपर मार के दिखा दो। तो ये देखो, ये है अपनी HID जिनका नाइट में भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त रिस्पॉन्स आएगा। तो अब चलते हैं अपने इंटीरियर की तरफ। तो जैसे कि अपने हम इंटीरियर में जाते हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं स्पीकर, जो कि भाई ने बता रहे हैं कि भाई ने JBL के लगवा रखे हैं। और भाई ने मतलब देखो यार क्या क्या यहाँ पे सिस्टम लगा रखा है, सब के बारे में अभी भाई से पूछेंगे। और ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि किस लिए, ये बेस कंट्रोल के लिए ना भाई। तो देख सकते हैं भाई ने मतलब यार कहाँ कहाँ पे स्पीकर लगा रखे हैं, ये देखो। और यहाँ पे भी है अपने उधर, और उस वाले डोर पे भी, और यहाँ पे अपना है पाइनर का स्टीरियो। तो मतलब भाई अंदर से आपने सिर्फ म्यूजिक सिस्टम के अलावा और कुछ काम नहीं करा रखा है ना भाई? तो भाई ऐसा क्यों, मतलब और कुछ क्यों नहीं कराया, जैसे कि सीट कवर भी, और भी आप इंटीरियर में मॉडिफिकेशन कर सकते थे भाई? बंदे ना ऐसे बैठते हैं, मतलब केयर नहीं है। अच्छा, केयर नहीं है, वो ऐसे बंदे बैठते हैं इस गाड़ी में, इसलिए आपने कुछ नहीं कराया। तो मतलब नॉर्मल भाई को म्यूजिक सिस्टम और अलॉय का शौक था, तो वो भाई ने करवा लिया सही से, है ना भाई? हाँ भाई। अच्छा, तो भाई आने वाले टाइम में अगर आप इंटीरियर में कुछ अपग्रेड करना चाहोगे इसमें? सीट कवर डलवाऊंगा भाई। सीट कवर डलवाओगे? और जैसे भाई आजकल एम्बिएंट लाइट ये वगैरह चल रही है, तो ये बेकार है, ये बेकार है, खराब हो जाती है भाई, क्योंकि चाइनीज चीज है पैसे। तो भाई एक और मैं अब ये बताना चाहूंगा अपने ऑडियंस को पीछे जाने से पहले, क्योंकि पीछे हमारे वूफर रखे, मैं यहीं से थोड़ी झलक दिखा देता हूँ। उससे पहले हमारे इस सीट के नीचे हैं सारे एम्प, तो मैं भाई से पूछूंगा अब कि ये एम्प कौन से हैं और ये क्या क्या वर्क करते हैं। सबसे पहले जो ये देखो हमारे 3 एम्प हैं, एक यहाँ पे ये मोनो एम्प है, उसके बाद अपना V12 है, और उसके बाद दोबारा V12 है। तो भाई जो ये मोनो एम्प है ये कौन सी कंपनी का है? इंटरफेयर का भाई, इंटरफेयर का। और भाई जो दोनों अपने V12 है वो कितने कितने प्राइस के हैं? 4 चैनल है दोनों, दोनों 4 चैनल है। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली अगर भाई बात करें सिर्फ म्यूजिक सिस्टम की, तो वो कितने का है भाई उसका? भाई एक से ऊपर का ही होगा, एक से ऊपर। अच्छा, मतलब 1 लाख से भाई ऊपर का भाई ने म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है ना भाई कि क्या बताऊँ। भाई आप एक चीज़ और बताओ हमारी ऑडियंस को कि आपने आगे क्या लगवा रखा है, जो झूटर होता है क्या कहते हैं उसे, बाहर भी गाने बजते हैं उससे? बाहर भी गाने बजते हैं भाई ने कुछ अलग ही करा रखा है, जैसे गाड़ी में तो गाने बजेंगे, उससे बाहर भी गाने बजेंगे। उसका रिस्पॉन्स भी मैं आपको बहुत अच्छे से चेक कराऊंगा। उसके बाद भाई एक चीज़ और पूछ लेते हैं, हमारे जो अलॉय टायर की प्राइसिंग थी वो क्या थी भाई? भाई ये मेरे को 49,000 के पड़े थे। 49,000 के भाई कहाँ से लगवाए हैं? कुछ करोल बाग से मर्गे टायर, करोल बाग से। अच्छा भाई, तो भाई मतलब 49,000 में तो 50,000 भाई बोल सकते हैं कि 50,000 के आपके दोनों चीज़ पड़े हैं, अच्छी बात है भाई। तो अब भाई हम चलते हैं इसके बूट में, और मैं आपको दिखा दूँगी भाई ने इसमें क्या वूफर लगवा रखा और कितनी मस्त पेटी बनवा रखी है भाई ने इसकी। तो पहले इसका बूट खोलते हैं हम। तो देखो
कितनी मतलब बड़ी पेटी इसमें भाई ने बनवा रखी है। यहाँ पे भी स्पीकर लगा रखे हैं भाई, यहाँ पे उधर। भाई टोटल बात करें कितने स्पीकर लगे अपनी कार में? आठ। छह कंपोनेंट है, दो ओवल है। छह कंपोनेंट है, दो ओवल स्पीकर हैं और यहाँ पे दो वूफर हैं, तीन एम्प हैं। तो मतलब देखो भाई कितना सिस्टम, भारी सिस्टम लगा रखा भाई ने। और ये देखो अपने यहाँ पे पायनर के दो वूफर हैं। कौन से है भाई? चैंपियन सीरीज अपने पाइनर के दो वूफर। और पेटी आप देख सकते हैं, देखो एक तो इको गाड़ी में स्पेस इतना आता है तो आप सोच ही सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितनी ज्यादा तगड़ी इसमें बेस बनती होगी, है ना भाई? भाई तो मतलब भाई आप इससे बिल्कुल खुश हो, पूरी देती है गाड़ी। अच्छा, पूरी गाड़ी में? हाँ, जैसे औरों की गाड़ी में डिक्की में आ जाती है। हाँ भाई ये तो है, सही बात है। आवाज भी रहती है क्योंकि भाई इसमें यही फायदा कि देखो आप पूरा स्पेस मिलता है। तो भाई मैं सिस्टम के बारे में पूछना चाहूंगा, जैसे म्यूजिक सिस्टम है, आप इससे बिल्कुल खुश हो भाई? हाँ भाई, मतलब आप सोचते हो कि अब इससे भी ऊपर कुछ अपग्रेड कराना है? ये इतना इनफ है भाई आपके लिए, है ना भाई? अच्छा भाई, तो मतलब इससे ऊपर कभी नहीं जाओगे, ये बहुत है भाई। अच्छा भाई, तो अब आगे चलते हैं और थोड़ा भाई से सायरन टूटर के बारे में पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं। तो भाई जो अपने ये स्विच लगे हुए हैं, ये किस चीज के हैं भाई? भाई ये पुलिस वाली लाइट के हैं। अच्छा भाई, ये हूटर का है। अच्छा भाई, और ये अपना मोनो का है। ये मोनो का है जिससे हम बेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसके ऑडियो सेटअप का आउटपुट, क्योंकि आपको आउटपुट सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और आउटपुट आपको अच्छे से सुनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने आउटपुट सुना ही होगा यार, हेडफोन अगर नहीं लगाए होंगे ना तो आपका आउटपुट का पता नहीं चला होगा। पर भाई कसम से बहुत ही ज़्यादा मस्त आउटपुट है। मतलब ईको में ना, सही बताऊं तो इस ईको का मैं भाई मैं फ़ैन हो चुका हूँ। तो भाई कसम से भाई बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन करा रखी है आपने। और जो आपने देखा होगा, जैसे ही मैं कार के फ्रंट में आया तो भाई ने वो डूटर ऑन कर दिया जिससे बाहर भी आवाज़ आती है, तो उससे और ज़्यादा रिस्पॉन्स बढ़ गया भाई आउटपुट में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी मॉडिफिकेशन करा रखी है भाई। तो आपको कैसी लगी ये ईको कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई की इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रही होगी, आप फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर एक बात और बोलूँ ना, तो भाई 2011 मॉडल के हिसाब से ना कार की कंडीशन अभी तक भाई एक नंबर है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जेन्युइन चीज़, तो भाई वही है ये भाई। पेंटेड तो नहीं है ना अपनी गाड़ी बिल्कुल भी पेंटेड नहीं है, जैसे कि भाई बता रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन चीज़ दिख भी रही है 2011 मॉडल के हिसाब से। 12 साल कम से कम 10 से 11 साल गाड़ी को हो चुके हैं, फिर भी भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नई लग रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो भाई आपकी कार बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।